Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Priyanshu Ranjan, MBBS first professional year IGIMS Patna. I also appeared in ICR UG 2020 and cleared it with 401 marks out of 600 and my All India rank was 3500 approximately. I have completed BSc Honours Agriculture first year in College of Agriculture, Ganj Basoda, and my university name was Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya Jabalpur. So, काफी सारे students का ऐसा doubt आ रहा था कि उन्हें अब क्या करना है. मतलब कुछ students ने अभी भी upgrade करके रखा है और कुछ students ने अब एडमिट कर लिया है. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे पास जिन्होंने एडमिट कर लिया है, तो उनका डाउट था कि उन्हें फिजिकल रिपोर्टिंग का जो डेट्स है उसके बारे में कैसे पता चलेगा और साथ में उन्हें कौन सा कैंपस अलॉट होगा इसके बारे में भी उन्हें कैसे पता चलेगा. ठीक है, तो आपके इस दोनों क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पर मैं अभी करने वाला हूँ. मैं आपको दो यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दे दूंगा, वैसे करके आपको जो अलॉटेड यूनिवर्सिटी है आप उसके वेबसाइट पर जाकर के वहाँ पर चेक कर लेंगे. ठीक है, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए. ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले आपको भी नॉर्मली गूगल खोल लेना है, आपको जो भी यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ जे एन के वी वी, ठीक, तो आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन अप हो जाएगा. तो आप अपने सामने ही देख सकते हैं सबसे पहला जो नोटिस है वो लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर ICRUG काउंसिलिंग राउंड वन एंड राउंड टू कैंपस अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ न्यू एंट्रेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट थ्रू ICER एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले इस पे क्लिक कर लेना है. तो आपके सामने कुछ जो ऐसा PDF है वो ओपन अप होगा. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राउंड वन और राउंड टू के बेसिस पर जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिट कर लिया था JNKVV में उन्हें ये सीट जो है यहाँ पर अलॉट हुई है. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है आपको अलॉटेड कैंपस, आपको राउंड वन राउंड टू का है, फिर इसमें डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट होगा, आपको फी स्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर आपको दिया हुआ है, टोटल आपको यहाँ पर कैंडिडेट नेम भी दिया है, फादर नेम भी दिया है, मेल भी दिया है, उनका कैटेगरी भी दिया है और उन्हें कौन सा कैंपस अलॉट हुआ ये भी दिया हुआ है. तो इन सारे स्टूडेंट्स को जो जबलपुर कैंपस है वो अलॉट हुआ है. एक ST या UPS का जो सीट है वो खाली है मेन कैंपस जबलपुर में. ठीक है, आप इतने सारे स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे हैं, अगर आपका इसमें नाम है तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके थैंक यू करना मत भूलिएगा. ठीक है, फिर उसके बाद देख सकते हैं उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा में आप देख लीजिए इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, अमित समर सुनील महेश. फिर उसके नीचे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जबलपुर का दिया हुआ है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ये, तो आप देख लीजिए इन स्टूडेंट्स को ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अलॉट हुआ है. और उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का फिर से रीवा का ही दिया हुआ है, इतने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर रीवा का कॉलेज अलॉट हुआ है. रीवा में आप देख सकते हैं ST का सीट खाली है और एक फिजिकली चैलेंज का सीट जो है अभी भी वैकेंट है. ठीक, उसके बाद देख सकते हैं हम लोग कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टीकमगढ़ का है और यहाँ पर तीन स्टूडेंट्स को जो है वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टीकमगढ़ अलॉट हुआ है. और यहाँ पर जो है वो रिपोर्टिंग का डेट्स के बारे में मेंशन किया गया है, रिपोर्ट टू अलॉटेड कैंपस बिटवीन 17 जनवरी 2023 टू 23 जनवरी 2023 इन द वर्किंग डेज ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब जगह जो नीचे है PDF के नीचे आपको वहाँ पर ये सब चीज का जो मेंशन है वो दिया हुआ है. तो अभी तक राउंड वन और राउंड टू का जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग इन स्टूडेंट्स को यहाँ कैंपस अलॉट हुआ है. ठीक है, राउंड थ्री और राउंड फोर का भी रिजल्ट आना बाकी है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को राउंड थ्री में अलॉट हुआ होगा तो दो कैंपस और यहाँ पर बता देता हूँ, गंज बासोदा का कैंपस है जहाँ से मैं पढ़ा था और कैंपस है पवार खेड़ा का. ठीक है, दो कैंपस और बाकी है, तो राउंड थ्री और राउंड फोर में वो भी जो है फिलअप हो जाएगा. अब ऐसा ही करके एक और यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं जिन्होंने अपनी ऑफलाइन रिपोर्टिंग की जो डेट्स है वो मेंशन कर दिए. एक साउथ इंडिया की यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, ऐसे करके केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हैं. तो आपको यहाँ पर केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है. यहाँ पर जैसे आप यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहले ऊपर जो न्यूज आ रहा है देखिए ऊपर MBA एडमिशन, जो आपका MBA एडमिशन है तो आपको और भी वेट करना पड़ेगा. आपको फिर PG PhD आ रहा है कम्युनिटी साइंस में, तो आपका ये भी नहीं है, आपको इसके बाद और भी वेट करना पड़ेगा. कोई आपके अकॉर्डिंग जो न्यूज है वो जो आपके लिए जो न्यूज आएगा उसका वेट करना है आपको. और उसके बाद आप देख सकते हैं बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ICER कैंडिडेट्स फिजिकल रिपोर्टिंग ऑन और बिफोर 12 फरवरी 2023. ठीक है, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ PDF पे, ICER कैंडिडेट्स वर प्रोविजनली एडमिटेड बाई केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी टू BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कोर्स थ्रू ICER ऑनलाइन काउंसिलिंग आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट फिजिकली फॉर वेरिफिकेशन ऑफ देयर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स एट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मेन कैंपस. आप सबको मेन कैंपस में जाना है, यहाँ पे आपको वहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है केरला में. ठीक, बिफोर 3:30 PM ऑन 12th of February 2023 द कैंडिडेट हैज टू ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच हैव टू बी अपलोड इन द ICER काउंसिलिंग वेबसाइट अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट. प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको लेकर के जाना है, फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर के जाना है. तो ओवरऑल अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले तो आपको
आपने जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड किए थे वो भी आपको लेकर के जाना है, साथ में आपको ये जो तीन डॉक्यूमेंट्स हैं इन डॉक्यूमेंट्स को भी आपको वहाँ पर लेकर के जाना है केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ओवरऑल मैं आपको यही आइडिया देना चाह रहा हूँ कि आपको अपनी अलॉटेड यूनिवर्सिटी का वेबसाइट जो है उसको कंटिन्यूअसली चेक करते रहना है, वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको वहाँ पर उसको रीड करना है, और अपने वेबसाइट में आपको फ़ोन कॉल के थ्रू भी कनेक्टेड रहना है। वीकली बेसिस पे आप फ़ोन कॉल करते रहिएगा कि कब मेरी यूनिवर्सिटी खुल रही है, तो वो आपको अपना डेट जो है बता देंगे, ठीक है। तो रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग और जो सब कैंपस मेन कैंपस के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी था वो आपको यहाँ पे पता चल गया है। आपको भी ऐसे ही करके अपने अलॉटेड यूनिवर्सिटी के बारे में पता करना है। अब सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है उन सारे का जो रिपोर्टिंग का डेट है सारे कोर्सेज के लिए, ये बताना पॉसिबल नहीं है मेरे अकेले के लिए, क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें आपको थोड़ा सा खुद से मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, आप डेली एक एक बार अगर अपना जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी का वो चेक करते रहेंगे तो आपको इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कुछ दिन पहले आपको, और ट्रेन बस या फ्लाइट जो भी आपके लिए फेवरेबल है आप उसके अकॉर्डिंग वहां जाकर के ट्रैवल कर सकते। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस एंड टेक केयर।